श्री मोहन हम्बर्डे ने सरकारी दवाखाने का मायना किया। नांदेड़ जुनूब असम्बली हलके के रुकन असम्बली ने अवामी मसाइल की यकसुई की तरफ फौरी तवज्जो मबजूल की है। सरकारी दवाखाना विष्णुपुरी में बद इंतजामी सहूलतों के फुकदान के पस मंज़र में श्री हम्बर्डे ने डॉक्टर शंकर राव चौहान मेडिकल कॉलेज व अस्पताल का दौरा करते हुए मरीजों और इनके रिश्तेदारों से बातचीत की। दवाखाने में सहूलतों के फुकदान पर मिस्टर हम्बर्डे ने डेन और डॉक्टरों को ज़रूरी हिदायतें जारी की। श्री हम्बर्डे के इस इकदाम को काफ़ी सराहा जा रहा है और तवक्का जाहिर की गई कि सरकारी दवाखाने में मरीजों का इस्तेमाल बंद होगा। इस मौके पर कांग्रेस कमेटी अखिलती डिपार्टमेंट के ज़िला सदर शमीम अब्दुल्ला, कांग्रेस कमेटी अखिलती डिपार्टमेंट शुमाल नांदेड़ के सदर मोहम्मद जुबैर अहमद, नांदेड़ जुनूब यूथ कांग्रेस विधानसभा सेक्रेटरी व हेल्थ वर्कर अब्दुल हबीब और हब्बू भाई वगैरह मौजूद थे। हब्बू भाई ने रुकने असम्बली मोहन अन्ना हम्बर्डे से सेहत के मौजू पर तबादला ख्याल भी किया। आज शंकर राव चौहान शासकीय वैद्य के महाविद्यालय व रुग्णालय यहाँ पर निश्चित आमदार मोहन राव हम्बर्डे जी ने आज मरीजों की सुविधाओं के बारे में सरकारी हॉस्पिटल का दौरा किया। उस दौरे के अंदर विशेष डॉक्टर्स और वहाँ के जो डीन मस्के साहब और सुपरिंटेंडेंट वाईएस चौहान साहब, सभी डिपार्टमेंट के डॉक्टर, आर्थोपेडिक के अमूलगेकर साहब, ईएनटी के गुजराती साहब, सर्जरी डिपार्टमेंट के केड़कर साहब और अनमोल सर और फसके साहब, मस्के साहब, कापसे सर, ये सभी लोग, बुरके साहब मेडिसिन के, ये सभी लोगों ने जो है तो आज हम्बर्डे साहब के साथ में पूरे हॉस्पिटल का उनको जो है तो जायज़ा बताया। भाई यहाँ यहाँ पर ये मशीनरीज कम है और कर्मचारियों की बड़ी परेशानी है यहाँ पर। स्वच्छता अभियान के बारे में ज़्यादातर तवज्जे मोहन राव हम्बर्डे ने जी ने दी, एमएलए जी ने, उन्होंने कहा है कि भाई यहाँ पर जो कर्मचारियों की भर्ती नहीं है उसके बारे में मैं जैसे ही शपथ लूँगा, शपथ लेते ही मैं पहला काम जो है तो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बारे में वहाँ पर बात करूँगा। और ये जो भी परेशानी है, जो भी मरीज़ों को आने वाले दूर दराज से चार ज़िलों के पेशेंट यहाँ पर आते हैं, इंगोली है, लातूर है, परभनी है और नांदेड़ ज़िला इतना बड़ा काफ़ी है कि यहाँ पे ही पूर नहीं सकता हॉस्पिटल। इतनी बड़ी जगह होने के बावजूद भी वहाँ पे कुछ सुविधाएँ की कमी है, तो पीछे साइड से जो जगह खाली है वहाँ पर जो जानवर घूम रहे हैं, तो वहाँ पर बीएनसी के अधिकारियों को फ़ौरन उन्होंने बुलाया। बुलाने के बावजूद सभी अधिकारियों को घुमा के ये चीज़ें बताए हैं, बताने के बाद में उन्होंने फौरन अधिकारियों को बोला है कि भाई ये पूरी साफ़ सफाई जो है मेरे को दो दिन के अंदर में ताबड़तोड़ पूरी ख़त्म हो जाना। तो वहाँ के जो अधिकारी है उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है उनको कि हम दो दिन के अंदर पूरा ये साफ़ सफाई कर लेंगे और साफ़ सफाई करने के बाद में हम आपको जो है तो पूरा फॉलोअप देंगे इसके बारे में कि भाई हम करें नहीं करें बोलकर। अधिकारियाँ भी कॉपरेट करें और वहाँ के पूरे डॉक्टर लोग भी कॉपरेट करें। करने के बाद में निश्चित एक बैठक लगाए उन्होंने वहाँ पर। बैठक लगाने के बाद में हर एक डॉक्टर से अपना परिचय कराए। परिचय कराने के बाद में हर एक डिपार्टमेंट के अंदर वहाँ पे कौन सी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है उसके बारे में हर एक डॉक्टर ने अपनी अपनी राय पेश की। उस राय के ऊपर आमदार ने बोला है कि हम बहुत जल्दी इसके अंदर जो है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर कुछ फैसिलिटी ज़रूर करेंगे।